मॉर्निंग बच्चों, माई सेल्फ राजेंद्र शर्मा। देखिए बेटा बेटा, इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में 9 और 10 का जो कंबाइंड टॉपिक है वह है उपसर्ग। ठीक है, तो आज हम कुछ उपसर्ग के नियमों के बारे में और उसके कुछ उनके कुछ एग्जांपल्स के बारे में चर्चा करेंगे, उन्हें पढ़ेंगे। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिए, हमारा टॉपिक है उपसर्ग, ठीक है। अब उपसर्ग की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, उपसर्ग की परिभाषा क्या है, उपसर्ग क्या है, किसे कहते हैं, ये सब हम इसमें जानेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, उपसर्ग शब्द की उत्पत्ति उपसर्ग पूर्वक सृज धातु में घय प्रत्यय मिलाने से हुई है। घय और अणय, चय से जजने वाला अणय, ठीक है, चय वाली लाइन वाला अणय है ये, जिसे हम कहते हैं घय। देख लीजिए, उपसर्ग शब्द की उत्पत्ति उपसर्ग पूर्वक सृज धातु, सृज धातु से घय प्रत्यय मिलाने से हुई है। अब इसका एग्जाम्पल दिया गया है, देखो, उप प्लस सृज प्लस घय अर्थात उपसर्ग, ठीक है। उपसर्ग शब्द किससे बना, उप तो उपसर्ग है इसमें, और सृज धातु है, और घय प्रत्यय है, इन तीनों के योग से उपसर्ग शब्द की निष्पत्ति हुई है, ठीक है। अब देखते हैं नियम नंबर 2, देखो क्या कह रहा है ये। वे शब्दांश जो धातु और शब्दों से, वे शब्दांश जो धातु और शब्दों से पूर्व जुड़कर, यानी पहले जुड़कर अर्थ परिवर्तन की दिशा को प्रभावित कर देते हैं, अर्थ परिवर्तन की दिशा को प्रभावित करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो शब्दांश है, कुछ कुछ शब्दांश ऐसे होते हैं जो धातु और शब्दों से पहले जुड़ते हैं और जुड़ करके उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे ही क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। नियम नंबर 3 देखिए, उपसर्गाहा क्रिया योगे, एक सूत्र है, इस सूत्र से उपसर्ग संज्ञा होती है। तो इसको छोड़ेंगे आप, उपसर्ग संज्ञा क्या होती है, इसको छोड़ेंगे आप, ठीक है। अब देखिए 4 नियम इसका, उपसर्ग प्रादय कहलाते हैं। प्रादय का मतलब प्र आदि, जैसे प्र परा सम अपसम अनु अव निस निर, ये जो आदि है प्र आदि, तो प्र आदि का मतलब 22 उपसर्ग है, ये 22 उपसर्ग प्रादय कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ दिया हुआ है 5वां, देखिए नियम, उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नियते। इसका मीन्स हुआ अर्थात उपसर्ग के बल से धातु का अर्थ परिवर्तन हो जाता है, किसके बल से, उपसर्ग के बल से धातु का अर्थ परिवर्तन हो जाता है। तो आप जानते ही हैं कि भाई परिवर्तन तो होता ही है, ठीक है, उपसर्ग जुड़ते ही उसका अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, उपसर्ग के कारण परस्मै पद धातु आत्मने पद में तथा आत्मने पद धातु परस्मै पद में बदल जाती है। अब देखिए, पिछली कक्षा में मैंने आपको समझाया था, 10th वालों को समझाया और 9 वालों को समझाया था कि भाई धातुएं 2 प्रकार की होती हैं, परस्मैपदी और आत्मनेपदी। परस्मैपदी धातु होती है दूसरों के लिए जो काम आए, और आत्मनेपदी होती हैं जो स्वयं के लिए काम आए, ठीक है। तो 2 प्रकार की धातुएं होती हैं, तो उपसर्ग के जुड़ने से ये दोनों धातुएं चेंज होती रहती है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल दिए गए यहाँ पर, देखिए जी धातु है, जी धातु में हम
उपसर्ग जोड़ते हैं तो क्या बनता है, देखिए पहले देखिए यहाँ जी का मतलब होता है जयति, यानी जय, ठीक है। अब इसमें हम वी उपसर्ग जोड़ेंगे तो देखो क्या बन गया, वी जयते, ठीक है, तो चेंज हो गया। और जो धातु है वह भी किसमें चेंज हो गई, अन्य धातु में चेंज हो गई, ठीक है। परस्मैपदी धातु है जो आत्मनेपदी में चेंज हो गई, ठीक है। यहाँ इसके इसका दूसरा दिया गया है जी अर्थात जयति। अब इस जी धातु में परा जोड़ दिया हमने तो क्या बन गया, परा जयते, ठीक है, परा जयते, ये भी कन्वर्ट हो गई है। इसके बाद देखिए रम धातु है, रम धातु का बनता है रमते, ठीक है। आप इसमें हम वी उपसर्ग जोड़ेंगे तो बनेगा विरमती, ठीक है, विरमती बन जाएगा, जो कि उपसर्ग लगने से चेंज हुआ है। तो इस प्रकार से देखिए परस्मैपदी धातु आत्मनेपदी में चेंज हो जाती है, आत्मनेपदी धातु परस्मैपदी में चेंज हो जाती है, ठीक है। नियम नंबर 7 इसका, उपसर्ग के प्रयोग से धातु के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। उपसर्ग का प्रयोग करने से धातु का अर्थ है ना वो चेंज हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ एक सूत्र दिया गया है, श्लोक दिया गया है, उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नियते। उपसर्ग के माध्यम से धातु के जो अर्थ है वे बलपूर्वक दूसरे जगह ले जाए जा सकते हैं या ले जाए जाते हैं। कहने का मतलब इनको जो इनका जो अर्थ है वह दूसरे अर्थ में चेंज हो जाता है। इसके बाद यहाँ नीचे वाला लाइन दिया गया है, उपहार, पुहार नहीं है ये, उपहार, यहाँ पैमे से ऊ की मात्रा को हटाएंगे और आगे ऊ जोड़ेंगे, उपहार, फिर आहार, फिर संहार, विहार, परिहार, वत। जैसे इसने कहा भाई, जैसे इसने एग्जाम्पल दिया है कि हार शब्द में हम, हार शब्द है, उस हार शब्द में उप जोड़ेंगे तो उपहार बनेगा, हार शब्द में ही आ जोड़ेंगे तो आहार बनेगा, हार शब्द में ही सम जोड़ेंगे तो संहार बनेगा, इसमें ही हम वी जोड़ेंगे तो विहार बन जाएगा, और इसमें हम परि उपसर्ग जोड़ देंगे तो परिहार बन जाएगा। तो इन सब की तरह हार शब्द में विभिन्न विभिन्न उपसर्ग जोड़ने से विभिन्न विभिन्न अर्थ चेंज हो गए हैं, तो यही यह समझाना चाहता है, ठीक है। अब देखिए यहां दिया गया है, इसके एग्जांपल दिए गए हैं, ह्री, उसमें घ प्रत्यय जोड़ा गया है तो ह्री प्लस घ, घ से बना हार, ठीक है, हार शब्द है जो किससे बना, ह्री प्लस घ प्रत्यय से, जिसका अर्थ होता है आभूषण। देखिए बच्चों, हार शब्द का मतलब हुआ कोई गहना या कोई आभूषण, ठीक है। अब इसमें हम प्र जोड़ेंगे तो प्रहार बनेगा, प्रहार का मीन्स होता है आक्रमण करना, आ उपसर्ग जोड़ेंगे तो बनेगा आहार, आहार का मतलब होता है भोजन करना, और इसमें हम सम उपसर्ग जोड़ेंगे तो संहार बनेगा, संहार का मतलब होता है विनाश, विनाश करना। इसी में हम वी उपसर्ग जोड़ देंगे तो विहार बन जाएगा, जिसका अर्थ होता है भ्रमण करना, घूमना, और इसी में हम परि उपसर्ग जोड़ देंगे तो परिहार बन जाएगा, परिहार मीन्स निराकरण करना, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से देखिए उपसर्ग के कुछ नियम हैं, इनके माध्यम से हम इन्हें समझ रहे हैं, तो इनके जो एग्जांपल्स हैं उन्हें भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं हम, नियम नंबर 8 है इसका, कुछ उपसर्गों के द्वारा अर्थ परिवर्तन न होकर केवल वैशिष्यम प्रदर्शित है, अर्थात विशेषता प्रदर्शित होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ शुभ दिया हुआ है, शुभ का बना शोभते, अब शोभते में हम सु जोड़ेंगे, शुभ में क्या जोड़ा, सु, तो क्या बना, सो सुशोभते, ठीक है, सुशोभते बहुत सुंदर या बहुत अच्छा, जो कि क्या है, एक विशेषता है, ठीक है, ओके बेटा।
नेक्स्ट देखिए उपसर्गः द्वाविंशतिः भवन्ति। उपसर्ग कितने होते हैं? द्वाविंशतिः अर्थात 22 उपसर्ग होते हैं 22। अब यहाँ उपसर्गों की जो उपसर्गों का चार्ट है वह बताया गया है। देख लीजिए आप प्रे परा अपसम अनु अव निस निर दुस दुर ठीक है वी आ नी अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप। इस प्रकार से कुछ उपसर्ग बताए गए हैं, पूरे 22 उपसर्ग हैं इनकी, इनका जो चार्ट है वो दिया गया है, तो इन्हें आप ऐसे जैसे लिख लें ठीक है और लर्न भी कर लें ठीक है। इसके बाद दिया गया नीचे रिक्त स्थानेषु उचित उपसर्ग पदम चिन्हित। अब आपको एग्जांपल दिए गए हैं, तो रिक्त स्थानों में से उचित उपसर्ग चुनना है आपको ठीक है। देखिए हिमवत गंगा प्रभवती, आप बताइए प्रभवती में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए प्रे उपसर्ग है। फिर इसमें यहां दिया गया आपको दिखाया गया है खगः सायंकाले नीडेषु परावर्तन्ते। देखिए यहां परावर्तन्ते है तो परा उपसर्ग होगा। इसके बाद तड़ागे कमलानी सुशोभन्ते, तो यहां पर शोभन्ते में सु उपसर्ग जुड़ा हुआ है तो सु उपसर्ग होगा। इसके बाद देखिए याचक है नृपात धनम अधिगच्छति, यहां पर अधिगच्छति में उपसर्ग होगा, कौन सा होगा? अधि उपसर्ग होगा। इसके बाद दिया हुआ वैद्य श्रेष्ठ उपचारेण रोगिणम उपचरति, उपचरति मीन्स उपचार करता है, तो देखिए इसमें उप उपसर्ग होगा। इसके बाद दिया है वृक्ष है सर्वदा मानवान उपकरोति, यहाँ उपकरोति में उपसर्ग दिया गया है। इसी प्रकार से वानर है मनुष्याणाम अनुकरोति, बंदर मनुष्यों का क्या करता है? अनुकरण करता है, तो अनुकरोति इसमें भी अनु उपसर्ग होगा। इसके बाद देखिए इसका एट है, एट वाला क्वेश्चन इसका स मातृ शोकेन वी ललाप है, तो यहाँ वी ललाप में वी उपसर्ग होगा ठीक है। यहाँ पर देखिए मधुमत्ता जनाहा प्रलपंती, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में उपसर्ग होगा प्र। इसके बाद दिया गया टेन वाले में अति रूपेण वही सीता अति गर्वेण रावण है, अति दानात बलिवर्ध अति सर्वत्र वर्जयेत। यहां देखिए यहां एक श्लोक दिया गया है, ये देखिए यहां एक श्लोक दिया गया है, इस श्लोक में भी हमें उपसर्ग छांटना है, तो देखिए सब में अति 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 आ रहा है, तो अति क्या है? उपसर्ग है ठीक है। तो इस श्लोक में कौन सा उपसर्ग है? अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है ठीक है, तो यहाँ पर अति उपसर्ग छांट लेंगे हम। तो बेटा इस प्रकार से आज आपको इतना ही करना है, इनको समझना है और लर्न भी करना है। उपसर्ग हैं, इनके 6 नियम यहाँ दिखाए गए हैं। इसके बाद नियम नंबर 7 और उसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। इसके बाद नियम नंबर 8 और 9 है, 9 में देखिए पूरे उपसर्ग लिखे गए यहाँ पर, और फिर है कुछ क्वेश्चंस ठीक है। तो ये सब मैंने आपको आज लिखवा दिए हैं, यानी पढ़ा दिए हैं, अब आप इन सबको लिखेंगे और लर्न भी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव यू नाइस डे।